हेलो दोस्तों नमस्कार मैं अंगारालाल आप सबके बीच में एक बार फिर दोस्तों हम इस समय चिलार ग्राम सभा में हैं, और यहाँ पे हमारे पीछे देख रहे हैं पाकड़ का पेड़ है और बर बरगद है बरगद का पेड़ है इसमें पाकड़ थोड़ा सा है उधर और पीपल था पीपल सा सूख गया क्योंकि जहाँ भी यह वृक्ष होता है वहाँ पर लगभग लग तीनों साथ ही में होता है एक पीपल पाकड़ और बरगद तीनों एक ही साथ होता है अक्सर के तो यहाँ पर भी वैसा ही है और होगा शायद ऊपर होगा क्योंकि पहले था वो कट गया ऐसा है तो पाकड़ का इसके अंदर है और ये बर है जिसमें जो है अभी इसका फैलाव हो रहा है तो फैलाव इसका ऐसा हो जाता है कि इसका जो शोर निकलती है ये वाला जैसे शोर निकल रही है तो ऐसी ऐसी शोरें जो है कई निकलती है और ज़मीन में चली जाती है तो कुछ दिन बीतता है कुछ समय बीतता है तो पता नहीं चलता है कि इसका मेन जड़ कौन सा है तो उसी तरह से जो है यह भी है उसी तरह से देखना यह भी शोर जो ऊपर से ऐसे आई यह भी पकड़ लिए नीचे चली गए तो यह भी लग रहा है कि यही फेदी है लेकिन इसका मेन जड़ कहाँ है बीच में होगा और ऐसा जो है पकड़ होता है और बर होता है और इसके बाद यहाँ पे जहाँ आया हूँ बहुत काफ़ी हरियाली है और कच्चा मकान है घर अच्छा है और बहुत दूर तक बाग बगीचा है यहाँ पर उधर चलेंगे मैं आगे से भी दिखाऊँगा तो यहाँ पे तूत का पेड़ है महुआ का पेड़ है आम का पेड़ है और सिरफल का है जामुन का है मतलब हमें लग रहा है कि 50 किस्म का जो है यहाँ पे पौधा है और हमें नहीं लगता है कि यहाँ पे कोई दिक्कत होगी स्वास्थ्य को लेकर क्योंकि ऐसा नेचुरल चीज़ जहाँ मिलता है वहाँ पे स्वास्थ्य यानी कोई जो इन्फेक्शन वाली बीमारी है वो कम फैलती होगी तो उसी तरह यहाँ पे भी देख रहे हैं ऑक्सीजन बहुत भरपूर मिलता है और यहाँ पे कई लोग हैं हमारे साथ में मैं आप लोग को दिखा दे देखिए हमारे साथ जितेंद्र दिव्यांग जी हैं और यहाँ के कुछ बच्चे हैं और यहाँ पे देख रहे एक कुआँ है और इधर माता जी हैं माता जी की झोपड़ी यहीं पास में यहीं पे रहती हैं और उधर से भी हैं लोग दोस्तों देखिए इधर जामुन का पेड़ अभी जामुन फल लिया है फरेगा और इसके बाद इधर बेल है सिरफल जो कि शंकर भो, भगवान भोलेनाथ का जो है यह आसन इसी के नीचे उनका होता है और इसी का बेलपत्र जो है इसमें चढ़ाया जाता है उनको और अभी फल लिया है और नई नई पत्ती लिया है तो अभी सावन के महीने में इसी बेलपत्र का जो है भोलेनाथ को चढ़ाया जाएगा तो ये है बेलपत्र और आगे चलते उधर दिखाते हैं आप लोग और देख लीजिए यह जो है तड़कुल का पेड़ है जो कि अभी काटा जा रहा है अभी छोटा है यह लग रहा है कि तीन तीन साल दो साल तो होगा ही दो साल का एक लगभग पेड़ है और बड़ा भी तरकुल है वो मैं दिखाऊंगा तूत का पेड़ है दोस्तों यह तूत का पेड़ है और बहुत अच्छा है ये यह झोपड़ी है और यहाँ पे खिड़कियाँ जो कि बांस के डंडे से बना के जालीदार बनाई गई है जिससे हवा का आना जाना इसमें रहेगा तो अंदर ठंडा रहेगा और काफ़ी मोटी दीवार लगभग दो फीट जो है मिट्टी की दीवार है उसके ऊपर झोपड़ी है इसके अंदर गर्मी नहीं होती है और पक्का मकान में तो गर्मी के समय में जो है काफ़ी हीट हो जाता है तो गर्मी होने लगती है और लेकिन यहाँ पर वैसा चीज़ नहीं है और इधर देख रहे हैं मेहदी मेहदी का पौधा है और ये हम लोग की भाषा में इसको जो है दिखा कीड़ा वाली दवा बोलते हैं इसको कीड़ा वाली इसका बहुत ही फायदेमंद होता है इसकी पत्ती जो है पत्ती से थोड़ा रस गार के कान में डालने से कान का दर्द सही होता है और कई बीमारियों से इसका उपयोग किया जाता है और इधर तरकुल देखिए बड़ा हो गया है एक ये देखिए दोस्तों नींबू का पेड़ है और आम फल लिया है बहुत ही छोटा फल है छोटा फल जो है यहाँ पे फल लिए आयाम का देख रहे हैं जबकि कितना सुंदर है ये डायरेक्ट पकेगा उसको खाएंगे तो ये नुकसान नहीं करेगा आप तो लोग क्या कर रहे हैं कि कार्बाइड से पका दे रहे हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी नुकसान होता है कई ऐसा फल है जिसको कार्बाइड लगा के पकाते हैं लोग जैसे केला हुआ और गांव में देखेंगे तो केला अगर नेचुरल रूप में पकाया जाता है उसको तोड़ के भूसा में तोप देंगे तो पक जाता है उसे खाने से कोई रोग नहीं होगा लेकिन उसको जो है केमिकल लगा के पका देंगे तो कई रोगों को जो है उत्पन्न कर देता है उसी तरह यहाँ पे देखिए पीछे बसवाड़ है और महुआ है यहाँ पे महुआ का उपयोग होता है तीन चीज़ों में एक तो तीन बार इसका फल निकलता है जैसे में आ, सबसे पहले जो है इसका फूल लेता है फूल लेने के बाद महुआ होता है तो वो क्या करता है कि महुआ नीचे गिरता है फल तो उसको हम लोग भाषा में बोलते हैं कि महुआ चू रहा है तो उसको बीनते हैं बीन के जो है रख लेते हैं तो रखने के बाद जो है उस महुए का बरसात जब आती है उसमें भिगो के उसका रोटी बना के खाते हैं तो मीठा काफ़ी लगता है या फिर जिसका ठेगुना गुना, -गुना दर्द करता है पाए तो इसमें काफ़ी जो है फ़ायदेमंद रहता है महुआ का रोटी खाने से और वो जब फल ले लेता है उसके बाद गिरने के बाद जब फल लेता है तो कोयना बोला जाता है कोयना मैं आप लोग को दिखाऊँगा कोयना का भी फल लिया है तो कोयना भी जब पक जाता है तो उसका भी जो है फ़ायदेमंद रहता है पकने के बाद उसको खाया जाता है तो वो काफ़ी मीठा होता है आम के जैसा ही वो भी मीठा होता है हम तो अभी चखे नहीं हैं एक बार का हैं शायद बहुत पहले का याद नहीं है तो महुआ का भी फल मीठा होता है और इसके बाद उस कोयने को फोड़ के उसके अंदर एक बीज होता है उसको निकाल के सुखवा के उसका तेल पेरावाया जाता है तेल तो जैसे कड़ुआ तेल का रिफाइंड तेल का सब्ज़ी बनता है उसी तरह से जो है उस कोयने का तेल का जो है सब्जी बनाया जाता है तो वो तेल बनता है तो यानी तीन फायदा होता है एक महुआ के पेड़ से तीन फ़ायदा होता है और इसका फल मैं दिखा दे रहा हूँ आप ये देखिए मोटा डाढ़ है और महुआ का फल देखिए थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ आ जाएगा तो आ ही जाएगा ये देखिए गुच्छा गुच्छा फरा है देख रहे हैं ना ये कितना गुच्छा फरा है तो एक महुआ के पेड़ में ऐसा ऐसा गुच्छा फरा रहेगा तो बहुत ज़्यादा फल मिल जाता है तो ज़्यादा फल के वजह से जो है तेल काफ़ी मात्रा में होता है जो कि खाने के लिए पूरे साल उसका व्यवस्था हो जाती है देखिए एक मऊआ का कोयना गिरा हुआ मैं दिखा दे रहा हूँ ये देखिए अब ये पकेगा तो इसका खाने में मज़ा आएगा इसके अंदर के बीज का जो है तेल बनाया जाता है तो यह बगल में आम का पेड़ है बसवाड़ है और यहाँ पे काफ़ी हरा भरा है गौ 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 माता भी यहाँ पे हैं जो कि अब लोग तो गौ माता को छोड़ दे रहे हैं लोग काफ़ी लोग छोड़ दे रहे हैं जबकि इसके गोबर से पूजा किया जाता है और इस गोबर से घर की लिपाई होती है तो वह जो है शुद्ध घर होता है और कई वायरस को जो है मारने का काम करती है इस गौमात्र के माता के जो है गोबर तो ये था आज का हमारा वीडियो अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें कोई राय हो तो कमेंट में जरूर बताएं फिर मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय धन्यवाद